देखो डर तो लग रहा है, मां डर लगा था उसने। भाई ये हो सकता है लास्ट वीडियो भी हो सकती है। निधिवन नाइट सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों हाल ही में हमने निधिवन में रात में 3 सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे, और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर देखा कि हमारे सीसीटीवी कैमरास ने क्या रिकॉर्ड किया है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा। हम रात को लगभग 1 बजे निधिवन के अंदर घुसते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी और बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें निधिवन के बहुत सारे रहस्य बताए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइव निधिवन का वह रात का दृश्य दिखाने वाला हूं जिसे आपने सिर्फ सुना ही होगा। दोस्तों दिन में जाकर हमने वहां के पुजारियों से रात की वीडियो बनाने के लिए अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और फिर हमें रात को चुपके से निधिवन में घुसना पड़ा। हमने 3 सीसीटीवी कैमराज लिए हुए थे और तीनों सीसीटीवी कैमराज अलग अलग जगह पर लगाए, और हमने वहाँ पहले अच्छे से देखा कि वहाँ कोई है तो नहीं, और फिर हमने रंग महल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगाया, एक जंगल के बीच में और एक अंतिम छोर पे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और उनमें से एक सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों वैसे तो हमने सुना था कि निधिवन के अंदर से रात को सारे जानवर भी भाग जाते हैं, लेकिन हमारे सीसीटीवी कैमरा ने एक रहस्यमय बंदर को रिकॉर्ड किया। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीनों सीसीटीवी कैमरा के कुछ फुटेजेस दिखाऊंगा और कुछ ऐसे फुटेज भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए अब हम उस क्लिप को देखते हैं जो कि हमारे सीसीटीवी कैमरा 3 ने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों इस सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो कि निधिवन के पुजारियों द्वारा कही गई हर एक बात को सच बताती है। दोस्तों इस क्लिप में राधा कृष्ण रासलीला करते नजर आते हैं, तो आइए अब हम उस क्लिप को देखते हैं और हर एक सेकंड को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।